उत्तर प्रदेश दिवस पर जिला मुख्यालय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। हम सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना व नई संस्कृति का विकास करना, पर्यटन को बढ़ावा देना ही उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर जनपद हमीरपुर मुख्यालय में आज 24 जनवरी को रंगारंग भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति रही और इस मौके पर जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, एसपी श्लोक कुमार और समस्त विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही लोगों की भारी भीड़ रही। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं और विकास कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही साथ गायों की समस्याओं व गौशालाओं व ग्राम प्रधानों द्वारा सुव्यवस्थित विकास कार्यों एवं गौशाला का सकुशल संचालन करने वाले प्रधानों की भी सराहना की गई। इसी दौरान राट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गलहिया के प्रधान देवेंद्र राजपूत को उनके सराहनीय कार्य के लिए उन्हें साध्वी निरंजन ज्योति भारत सरकार द्वारा प्रधानों किसानों आदि को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपके बताते चले, हमीरपुर मुख्यालय में उत्तर प्रदेश दिवस में भव्यता के साथ कई लोक कलाओं का प्रदर्शन किया गया। हमारा उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, इसलिए स्थापना के 70 वर्षों की यात्रा पर आत्ममंथन करने का भी है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के बारे में किसी को सोचने की फुर्सत कहाँ मिलती है। हमीरपुर मुख्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनियां भी लगाई गई। हमीरपुर से संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। का पालन करूंगा। जो आज हम लोग ये अन्ना जानवर